वैसे गाइस आई होप यू आर वेल, आई एम वीर। वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पैके थान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई यहाँ पर। बोला गया जिसके भाग्य में कुछ नहीं उसके हाथों में सब कुछ होता है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाग्य के ऊपर बैठे रहते हैं और उस भाग्य को लेकर रोते रहते हैं, यार जिंदगी में ना ये चीजें मिलेगी, जिंदगी में वो मेरे भाग्य में नहीं था, ये चीज तो इसलिए मिल गई मेरे भाग्य में थी, वो चीज इसलिए हाथ से निकल गई, मेरे भाग्य में नहीं थी वो चीजें। अगर भाग्य के पीछे इंसान पड़ा रहेगा और कभी भी अपनी कैपेबिलिटी पर फोकस नहीं करेगा तो वो इंसान कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। पर लेकिन एक वो इंसान है जिसके हाथों में सब कुछ होता है, यानी कि वो अपने भाग्य पर नहीं अपनी मेहनत पर वो विश्वास करता है। तो अगर आप लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं जो अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं तो भाग्य पर विश्वास करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं आप लोगों को। फिर अपना मेहनत पर विश्वास कीजिए और मेहनत पर विश्वास इतना कीजिए कि यार जो भी काम हम लोग करेंगे ना इसको अचीव कर ही छोड़ेंगे। पर लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर रियलिटी में आप लोग इसको दिल से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी के हिसाब से चलने लगते हैं। यार सोसाइटी में ना काफी कुछ चीजें आप लोगों को रूढ़िवादी बेस पर चलती हुई नजर आएगी। हो सकता है वो चीजें अभी आप लोगों को सही लग रही हो पर आगे के लिए वो सही नहीं हो, तो इसलिए टाइम के साथ में इंसान को भी चेंज होता रहना चाहिए ताकि जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। एक टाइम ऐसा था कि सब लोग ऑफलाइन पढ़ा करते थे, पर लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि ऑनलाइन के बिना लोगों का काम ही नहीं चलेगा। इतने लार्ज स्केल पर चीजें जो है, पहले ऐसा था कि एक किसी पर्टिकुलर कोने में देश के दूर दराज वाले एरिया में कोई एक टीचर बैठा है जो शानदार है, पर लेकिन वो उसी कोने में पढ़ा पाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ साधन ही नहीं था, कोई जाकर वहां पढ़ नहीं पाएगा, बहुत दूर थे वो टीचर। पर लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर किसी भी कोने में से दुनिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी कोने में से बैठकर कहीं से भी वो इंसान जो है किसी को भी पढ़ा सकता है। अपनी एसएलवी फैमिली को ही देख लीजिए, एसएलवी फैमिली में लगभग 1 से 1.5% लोग ऐसे हैं जो चैनल को यूएसए के अंदर देखते हैं, यूके के अंदर भी लगभग 1% के करीब लोग यूएसए के अंदर देखते हैं। ये पूरा एनालिसिस होता है, जब यूट्यूब के अंदर जाकर इसको देखा मैंने तो मुझे सरप्राइज हुआ, मैंने कहा इतने सारे लोग, मतलब जितना जो व्यूज आ रहे हैं उसके लगभग 1 से 1.5% यूएसए में देख रहे हैं, 1 से 1.5% लगभग यूके के अंदर देख रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो साउथ कोरिया में। तो अपने ही देश के लोग हैं ना वो जो इस तरीके से न्यूज एनालिसिस सुनना पसंद करते हैं, तो ये चीजें होती है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए तो चीजें जो है वो पैटर्न में फिर चलने लगती है, ठीक है? तो इसलिए है कहीं ना कहीं इंसान जो है अगर सही पैटर्न में चीजें लेके चलेगा तो सारी चीजें उसके हिसाब से आप लोगों को चीजें होती हुई नजर आएंगी। ये एक वीडियो मैंने बनाई है आज ही, ये मैंने बोला था आप लोगों को हिंदू वाली वीडियो के अंदर कि 4 बजे ये शाम को वीडियो आप लोग की आएगी, तो ये वीडियो मैंने 4 बजे अपलोड कर दी थी। तो इसमें डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पर जो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या बातें की गई है। हालांकि वो जो रिपोर्ट है वो अभी आधी है क्योंकि उसका एक पार्ट अभी प्रस्तुत किया गया, अभी 2 पार्ट उसके बचे हुए आएंगे 2022 में, तो तब तक इसको आप लोग देखें, तब तक और जो चीजें होंगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ बातें ऐसी भी है जो मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बताई है, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये थी कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड बतानी थी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसको जाकर अगर आप लोगों को आइडिया है। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर आप लोगों को पता है किसी टॉपिक के बारे में तो फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता है तो फिर देख लेनी है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लाइमेट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है, आप लोगों के सिलेबस के अंदर भी है, तो हर जगह क्वेश्चन बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें देखो, डे बाय डे की जो बोल बच्चन गिरी चलती है ना उनके चक्कर में नहीं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको, उन पर फोकस करो, ठीक है? आइए देखेंगे क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है और काफी शानदार रहेगा। एक ओवरव्यू पहले ले लेते हैं क्योंकि ओवरव्यू रहेगा तो आप लोग समझ पाएंगे, एक तरीके से पचा पाएंगे चीजों को, और ये ओवरव्यू होगा क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, तो टकटकी लगाकर आप लोग यहां पर इसको देखना है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है एक आइलैंड के बारे में, अगलेगा आइलैंड का नाम है, रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी था यहां पर ये, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा एक्जैक्ट लोकेशन के साथ में, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है यहां से, तो इसलिए मैप की लोकेशन भी अच्छे से दिखाएंगे आप लोगों को। यहां पर ये बताना है कि किस कंट्री से रिलेटेड है यहां पर ये आइलैंड, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। बाकी अगर इंडियन ओशियन के अंदर अगर आप लोग जाएंगे, यानी कि एक तरीके से जो अपनी कंट्री का समुद्र है, ओशन है, हिंद महासागर आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं, इंडियन ओशियन के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोग ये बताइए कि इंडिया का जो ट्रेड है वो जो यहां पर ओशन के थ्रू होता है तो कितने प्रतिशत जो ट्रेड होता है वो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कि इतना सारा सामान आता है वॉल्यूम अगर देखेंगे, ठीक है? तो उसका आयतन अगर देखेंगे, बाकी बाय वैल्यू यानी कि पैसों के मामले में अगर काउंट करेंगे तो कितना प्रतिशत ट्रेड यहां से इंडियन ओशन के थ्रू होता है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशन यानी कि जो हिंद महासागर है वो हमारे देश के लिए कितना ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यानी कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ऐसा बोल सकते हैं। अगर एक छोटी सी बात, हालांकि ये कई बार मैं आप लोगों को बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, ये तो आप लोग अगर थोड़ा भी ध्यान से लेक्चर सुन रहे होंगे तो इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। हमारी कंट्री में जो क्रूड ऑयल है कितना बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, तो ये क्रूड ऑयल हम लोग सारा इंडियन ओशन के थ्रू ही लेकर आते हैं, तो इस इंडियन ओशन के अंदर अगर कल को चाइना आकर घुस जाता है तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक चीज होगी, तो इसलिए इसमें शांति रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में बात बताइए आप लोग, क्योंकि इसीलिए इंडिया जो है चाहता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में शांति बनी रहे।
प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में बात की जा रही है, तो प्रोजेक्ट जो बोल्ड है इसको बोलते हैं यहाँ पर बैम्बो, बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन रोल, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अभी न्यूज में किस लिए, पहले तो हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर कई सारे जो बांस वगैरह है उनको लगाने की बात की जा रही है काफी लार्ज स्केल पर। अभी यहाँ पर लेह वाले एरिया में, जो लेह लद्दाख वाला एरिया ना, वहां पर ये अभी आर्मी भी सपोर्ट कर रही है इसके थ्रू यहाँ पर बेसिकली ये लगाना, बांस वगैरह लगाना, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कौन इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। आप लोगों ने नॉर्मली ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर ज्योग्राफी आप लोगों को ऑप्शनल है तो आप लोगों ने कई बार इसके बारे में जाना भी होगा। अर्थ जो होती है उसकी क्रस्ट होती है मेंटल कोर, ये इस तरीके से देखा होगा, दिखाऊंगा थोड़ा सा अच्छे से पिक्चर में आप लोग समझ पाएंगे। तो अभी यहां पर ये क्यों बोल रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि हैती एक पर्टिकुलर यहां पर एक आइलैंड कंट्री है, इसमें काफी ह्यूज अर्थक्वेक देखने को मिला, हजारों के करीब लोगों की यहां पर जान चली गई। तो दो प्लेट हैं जिनके इंटरसेक्शन पर ये देखने को मिलती है, ये प्लेट क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का नाम सुना है ना आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर, तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखाऊंगा, तो जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हैंडलूम जिसको हिंदी में हथकरघा बोलते हैं, इसका जो डिजाइन करने वाला जो सेंटर है नॉर्मली स्टार्टिंग में 1956 में स्टेब्लिश किए गए थे मुंबई, चेन्नई और एक और सिटी है, सिटी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता होगा। चलिए उदाहरण उदाहरण के अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग आंसर बताई देंगे, ये जो सिटी है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर ही मिल गया आप लोगों को। आगे बात करते हैं सीपीएससी के बारे में, ये क्या है फुल फॉर्म इसको बताना है। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है सीपीएससी को, एक तो होता है महारत्ना, दूसरा होता है नवरत्ना, तीसरा क्या होता है बताइए। चलिए महारत्ना, नवरत्ना, तीसरा क्या होता है, ठीक है। अरे यार तीसरा क्या होता है, चलिए सीपीएससी बता दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात मैंने इसलिए डाला ये क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्मली हमारी कंट्री में महारत्ना और नवरत्ना कितनी है। मिनी रत्ना तो आप लोगों से शायद ही कोई पूछेगा क्योंकि बहुत ज्यादा है मात्रा में, पर लेकिन नवरत्ना और महारत्ना के बारे में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी प्यारा काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, एक एक कर न्यूज आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आज जो स्टार्ट करूंगा ये इंटरनेशनल न्यूज के साथ में आप लोगों का स्टार्ट करूंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक बात जो कई दिन से मेरे दिमाग में घूम रही है यहाँ पर, जब से मैंने बोला कि बच्चों को किताब प्रोवाइड कराने की बात की गई तो कई सारे बच्चे आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा, पर लेकिन कुछ फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनके लगातार मेल आ रहे हैं मेरे पास में। एक बच्चा है जिसका 2 साल पहले जॉब लगी थी, वो अभी लेक्चर देख रहा है, मुझे अच्छा लगा सुनकर। तो उसने बोला कि सर 40,000 में प्रोवाइड करा सकता हूँ क्योंकि ना ही तो मेरी शादी हुई है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है जिस पर मैं पैसा खर्च करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अकाउंट प्रोवाइड करा दें तो मैं कई सारे बच्चों की हेल्प कर पाऊंगा। तो इस तरीके के मुझे कम से कम डेली का 3 या 4 मेल ऐसे आ रहे हैं जो कि 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, यार ये आप लोगों की मेहनत की कमाई है, ठीक है। मैं बस इतना कर सकता हूं यहां पर कि अगर आप लोग रियलिटी में हेल्प करना चाहते हैं तो मैं अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, ये सब तो आप लोगों को नहीं दूंगा। हाँ ये कर सकता हूं कि आप लोगों को जो मुझे मेल करेगा मैं उनका मेल सेंड कर दूंगा, अगर आप लोगों को उनको डायरेक्ट आप लोगों को बुक प्रोवाइड करानी है, कुछ हेल्प करनी है उस तरीके से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, पर लेकिन मैं इतना बड़ा अमाउंट नहीं ले पाऊंगा, ये आप लोगों की मेहनत की कमाई है, मुझे वो चीज पचेगी नहीं, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने ये सोच समझकर बहुत ही ये 3 लेवल मैंने बनाए हैं बस, ठीक है। ये हाईएस्ट जो लेवल है इसमें 2000 है, अगर यहां पर 2000 आते हैं तो उसमें लगभग 6 के करीब लक्ष्मी गांधी किताब आ जाएंगी, यानी कि 6 लोगों को फायदा हो जाएगा, पर लेकिन उससे फालतू इसमें मैं और चेंज नहीं करने वाला हूं। रेगुलर जो इस तरीके मेल आ रहे हैं कि सर नहीं 10,000, 5,000, इवन मैंने बताया ना फादर भी आ रहे हैं 2-3, तो निकल गया कई सारे बच्चों ने अपने घर पे बताया, उनके फादर आ रहे हैं कि बेटा अपना अकाउंट नंबर बता दो हम हेल्प करेंगे, इतने दिनों से बच्चों को पढ़ा रहे हो। बच्चों को मैं अपनी यार अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि मतलब मैं बच्चों के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूं, ठीक है, कि हाँ बच्चे जो है मेरे से एक तरीके से मेरे एहसान के नीचे दब गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बोले सर आप पैसा भी नहीं लेते हो, ये एक तरीका इस तरीके से हो जाएगा, यार वो मेरे लिए देना एक अलग बात है, पर लेकिन ये चीजें अलग है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप लोग खुद से हेल्प करो, आपका पैसा है वो, मैं इससे ज्यादा इसको नहीं कर पाऊंगा। हालांकि इसमें हाईएस्ट जो लेवल है वो 8,000 था यहाँ पर मैं, पर लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि 8,000 भी बहुत ज्यादा हो जाता, ठीक है, तो मैंने हाईएस्ट लेवल इसमें ये रखा है यहाँ पर ओनली 2,000, इससे फालतू का डोनेशन, एक डोनेशन का एक तरीके हेल्प हो जाएगी जिसको देनी है, किसी किताब देनी है। अब तक इस महीने जो है मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कितनी सारी, तो लगभग फिलहाल अभी 2-3 दिन में और कुछ किताबें मैंने प्रोवाइड कराई हैं, तो लगभग मुझे लगा सर 83 या 85 के करीब तो अभी फिलहाल जो है ये लक्ष्मीकांत जा चुके हैं, और लगभग कुछ ऐसे ही शायद 91-92 के करीब जो है ये फिलहाल अभी स्पेक्ट्रम दे चुका हूं, ठीक है। तो ये कई सारे बच्चों ने हेल्प की, और एक काफी सरप्राइजिंग बात लगी मुझे, जो लड़कियां हैं जितने भी जो सामने निकल कर आई उसमें से 70-75% लड़कियां सामने निकल कर आई, ये रियलिटी में सरप्राइजिंग लगा मुझे, मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा था, मैंने कहा लड़कियां इतनी सारी पार्टिसिपेट करेंगी।
तो यहां पर लड़कियों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया इसके अंदर में, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे, पर लेकिन यार इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, इससे ज्यादा मैं मतलब प्लीज मुझे फोर्स मत करना, ठीक है। ऐसे मतलब गुस्से में कमेंट ये लिख रहा है एक बच्चा, तो कह रहा है कि सर मेरे पैसे हैं मैं देना चाह रहा हूं, इसका मतलब आप लोगों की हेल्प ही नहीं करना चाह रहे, बस दिखावा करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो कि इस तरीके का भी शब्द लिखा उसने मुझे गुस्से में आ गए कि सर आप पैसा क्यों नहीं ले रहे जब मेरा पैसा है मैं देना चाह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे अच्छी हेल्प करने का कोई तरीका मिलेगा। तो ये हाईएस्ट है, इससे फालतू नहीं करूंगा यार, ये बिल्कुल ही मतलब सोच समझ के कि हाँ कम से कम चार पांच बंदों की एक बार में हेल्प हो जाएगी, बाकी लोवेस्ट में यहां पर ही है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कई बार मेल आ रहा है, यूट्यूब ने एक नया चौंचला स्टार्ट किया है अभी, ये है थैंक्स, यानी कि अगर कोई वीडियो आप लोग देखते हैं तो वीडियो में क्या रहता है कि थैंक्स का ऑप्शन है। बेसिकली हुआ क्या है, अभी कोविड 19 ने बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उनकी अर्निंग काफी ज्यादा कम कर दी है, और अभी जो शॉर्ट्स स्टार्ट की है यूट्यूब ने, तो शॉर्ट्स में उन्होंने कुछ फंड दिया है कि जो शॉर्ट्स बनाएगा उसको भी पैसा मिलेगा, पर लेकिन मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है ये शॉर्ट्स के लिए इन्होंने क्या किया है, जैसे कि जो यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं जैसे कि मैं हो गया फिर कोई और हो गया, उनके रिवेन्यू में से पैसा कट कर दिया है। जैसे लास्ट महीने जो अर्निंग आई है उसमें मैंने देखा कि 15% कम, 10-12% के करीब कम पैसा है, तो इसका मतलब वो पैसे को कट करता जा रहा है, वो उसको एक बिजनेस की तरीके से YouTube को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लग रहा है कि वहां से कट कर कर कि यहां से हेल्प हो जाएगी, तो ये एक और नया तरीका है कि अगर किसी को लगे या तो ज्वाइन बटन यहां पर ज्वाइन कर ले, जिसमें मैंने ये बताया कि यही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी का यहां पर थैंक्स में उसने ऑप्शन दे रखे हैं, अगर किसी को लगता है कि ये वीडियो पसंद आ रही है कोई पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर, क्योंकि ये अलग से नहीं है, हर एक वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगा आप लोग जैसे वीडियो चलाएंगे, तो ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। तो ये सारे यूट्यूब के नए नए चौंचले सामने निकल कर आ रहे हैं, पहले जब YouTube था वो अलग काम करता था, अब बिल्कुल उसका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसी चीज चलती रहे तो जल्दी हो सकता है कुछ ना कुछ अलग ही चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आज की डेट में कंडीशन YouTube की अलग ही पैटर्न में चल रही है, ये चाहते हैं कि यहां पर लोग बिजनेस करें, ठीक है, यानी एक तरीके से नहीं इंसान जो है कुछ बेचे यहां पर आकर, लोगों के प्रमोशन करें एक तरीके से कि लोगों का प्रचार करें उस तरीके से, नहीं एडवर्टाइजमेंट ले लोगों के ऐड करें, तो वो वाली चीजें काफी देखने को मिलती है। तो ये लास्ट है, इससे फालतू यार मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे फालतू मतलब मुझसे एक्सपेक्ट मत करो यार प्लीज, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि आप लोग किसी को डोनेशन करना है कुछ और करना है, आप लोग के आसपास में बच्चे दिख जाएंगे बहुत सारे, उनकी फीस वगैरह आप लोग दे सकते हो, उनकी आप लोग हेल्प कर सकते हो, मतलब ये स्टार्ट मैंने अपने लिए किया था, ठीक है, पर लेकिन वो कुछ ऐसी बात हो गई मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के वो आ गए, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिस तरीके से मुझे मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने सारे बच्चे मेरे सामने आके बोलेंगे, ठीक है। पर लेकिन ये हाईएस्ट है, इससे फालतू मत बोलना। हाँ मैंने एक बात और बोली थी कि बात करने के लिए वो वाला ऑप्शन मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा मेरे ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, मेरे पास में टाइम नहीं ऑलरेडी, तो उसके लिए मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार उसको नहीं रखता हूं, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है जिनके थ्रू आप लोग अगर लगता है कि आप लोगों, और हाँ जो स्टूडेंट है प्लीज आप लोग इस तरीके से घर पे मत बोलिए, आप लोगों के पेरेंट्स आते हैं यार मुझे उनको मतलब अंदर से मना करता हूं तो अजीब सी फीलिंग आती है, वो ऊपर से तो बेटा बोलते हैं कि बेटा यार इसको तुम कर सकते हो, इनमें दिक्कत क्या आ रही है जब हम दे रहे हैं हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो वो वाला यार मतलब समझ रहा हूं मैं, मेरे से जल्दी से ना नहीं होती और मैं फिर फंस जाता हूं, इसलिए मैं कई बार तो रिप्लाई नहीं करता हूं, ठीक है। तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि पहली बार कोई पेरेंट्स मेल कर रहे हैं और मैं उनको रिप्लाई भी ना करूं, तो यार ये कुछ बातें थी जो कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों से कैसे शेयर करनी है, तो थोड़ा सा यार इस चीज को देखिए आप लोग, मतलब समझो मेरी भी मतलब चीजें क्या है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इससे फालतू में कुछ चीजों को लेकर चलूं क्योंकि ये चीजें मेरे लिए बर्डन टाइप में बनना स्टार्ट हो जा रही है फिर इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। आई होप कि आप लोग चीजों को समझेंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर आर्टिकल की ओर, काफी डिटेल में मैं आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में जानने को मिलेगा। इंटरनेशनल न्यूज है यहाँ पर, ये इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, ठीक है। शॉर्ट न्यूज इसके बाद में बताऊंगा क्योंकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है एक आइलैंड के बारे में, जिस आइलैंड का नाम है इसको बोलते हैं यहाँ पर अगालेगा, ठीक है। तो अगालेगा जो आइलैंड है यहाँ पर, और हाँ जिनको ये लगता है कि जैसे कि कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम जॉब नहीं कर रहे हैं हम कैसे किसी को सपोर्ट करें, तो यार बहुत सारे तरीके, जैसे कि आप लोग अगर वीडियो को दूसरों तक पहुंचाते हो तो ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। उससे भी अर्निंग आएगी, उससे भी लगता है मुझे अर्निंग आएगी, तो और जो है बच्चों की हेल्प हो पाएगी, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। इवन अगर आप लोग वीडियो जो है लाइक करते हैं ना, जैसे कि देख कितने रहे हर एक वीडियो, जैसे कि 20-25-30-40 हजार तक देख रहे हैं, पर लेकिन लाइक करने में एक सेकंड नहीं लगती है, उसको कितने लोग करते हैं ओनली जब ऐसे करें 3 या 4 हजार, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये छोटी छोटी सी चीजें, ये एक कंट्रीब्यूशन के तौर पर ये भी होता है आप लोगों, ऐसा नहीं है कि पैसा ही कंट्रीब्यूशन होता है किसी की हेल्प करने का, ठीक है। ऐसे कहता हूं ना मैं कुछ पढ़ते हो किसी को जाकर पढ़ा दो, वो भी एक तरीका हो गया हेल्प करने का, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करें तो ये है बेसिकली मॉरिशस के अंदर, अगर आप लोग मैप में देख पाएंगे तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, इसके नीचे जब आप लोग आएंगे हाँ मालदीव हो गया, ये सीशेल्स हो गया, याद रखिएगा इजिप्शियन हो गया यहां पर, ये हो गया अगालेगा, ठीक है, ये हो गया यहां पर डाइगो, ये हो गया मॉरिशस और ये हो गया मेडागास्कर।
तो ये अलग अलग एरिया है, अगर क्लियरली आप लोग और देखना चाहते हैं अपनी कंट्री के कंपेयर में, तो यहाँ पर अगलेगा आइलैंड, ठीक है। तो अगलेगा आइलैंड किसका है यहाँ पर, ये मॉरिशस का आइलैंड है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं कि अजेप्सन क्या है, अजेप्सन आइलैंड के बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी कंट्री के द्वारा एक एक तरीके से एमओयू साइन किया गया था मॉरिशस के साथ में कि एक तो एयर स्ट्रिप बनानी है वहां पर और डॉक की फैसिलिटी भी डेवलप करनी है और यहां पर आप लोगों को कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। इसको बोलते क्या है बेसिकली, इसको बोलते हैं जेटी, ठीक है। तो जेटी क्या होता है बेसिकली, यहां पर जैसे कि कुछ जहाज आ रहे हैं तो यहीं पर अगर पास में आएंगे किनारे पर, इधर कहीं अगर किनारे पर, तो ज्यादा गहरा नहीं होता है यहां पर, तो जमीन में वो अड़ जाएंगे। इसलिए जहां पर ऐसा एरिया होता है तो वहां पर ये जेटी क्रिएट कर देते हैं कि जहाज दूरी रुक जाता है और यहां से फिर इस तरीके से हम लोग उतर कर चले जाते हैं, ठीक है। बाकी ये हो गया एयर स्ट्रिप। कई सारे आइलैंड ऐसे जहां पर एयर स्ट्रिप बनाने की बात की जाती है, तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर अभी क्या है, यहां पर बेसिकली ये जो मॉरिशस है इसने बोला कि रिपोर्ट एक ऐसी आई है कि उसने इंडिया के लिए एक तरीके से अलाउ, कई बार न्यूज़ है कि इंडिया को अलाउ कर दिया है यहां पर कि इंडिया को एक तरीके से मिलिट्री बेस बनाने के लिए, पर लेकिन रियलिटी है कि इन्होंने इंडिया को मिलिट्री बेस बनाने के लिए अलाउ नहीं किया यहां पर, ये अब यहां पर ये सामने खबर निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, यहां पर अर्लियर जो बातें थी कि हां ये अगलेगा आइलैंड के ऊपर हम लोग स्ट्रिप बनाएंगे, जेटी बनाएंगे, ये सारी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इंडिया यहां पर हेल्प कर रहा है, पर लेकिन मिलिट्री बेस के बारे में कोई बात नहीं। यहां पर अगलेगा जो प्रोजेक्ट यहां पर देखने को मिला उसमें क्या था कि एक्सटेंशन करेंगे रनवे का, यहां पर जेटी वगैरह क्रिएट करेंगे इस आइलैंड पर ताकि आवागमन जो है वो आसान किया जा सके। इंडिया के द्वारा यहां पर 87 मिलियन के करीब यहां पर फंड किया गया था। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर ऐड करने की बात की गई थी न्यू एयरपोर्ट, यहां पर पोर्ट, लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक फैसिलिटी क्या होती है, आने लाने सामान को लाने ले जाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आसान कर दिया जाएगा। तो ये पैटर्न यहां पर देखने को मिल रहा था, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो काफी कुछ यहां पर जो है वो अभी ऐसा कुछ नहीं है जैसे यहां पर नॉर्मली न्यूज में आई। तो उसको बोला जा रहा है कि ये इस तरीके से जैसा बोला जा रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तो इसको इस तरीके से नहीं देखना है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लोगों का बने तो आप लोगों को यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अभी अगर थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से यहां पर करूं, सिग्निफिकेंस क्या है यहां पर, अगर इसके आप लोग देखने को चाहते हैं कि आखिर इंडिया अगर यहां पर ये अगलेगा आइलैंड या फिर यहां पर जाते हैं तो यहां पर क्या फायदा होगा। सबसे बड़ी बात तो देखिए स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंडिया की प्रेजेंस बढ़ेगी यहां पर इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि चाइना जो है आज की डेट में अगर आप लोग जानते हैं चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है यहां पर, यानी कि अपने देश को चारों तरफ से घेर रहा है। श्रीलंका में बेस बना लिया, म्यांमार में बेस बना लिया, बांग्लादेश में बेस बना लिया, पाकिस्तान में बेस है, ऊपर तिब्बत कैप्चर कर ही लिया है, इधर भूटान में घुसने की कोशिश कर रहा है, म्यांमार को वो उसका कंट्रोल है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से चारों तरफ से ये एक तरीके का पर्ल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो उसको टैकल करने के लिए जरूरी है कि इंडिया भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें एस्टेब्लिश करे ताकि टैकल किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। नेक्स्ट अगर बात करें जियो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जा रही है, देखिए अगर बात करें जैसे इंडिया जो है अगर इस तरीके से हमारी कंट्री यहां पर बीच में है तो हम लोग काफी लार्ज स्केल पर कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, अफ्रीकन यूनियन के साथ में हम लोग व्यापार कर सकते हैं, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के जो मेंबर है उसके साथ में मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। और हमारी कंट्री में अगर बात करें आप लोगों को बताएं कि आसपास वाले एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना ये आइलैंड हो गए, इधर भी आप लोगों को इंडोनेशिया के ये सब आइलैंड देखने को मिलेंगे, इनके साथ में कनेक्टिविटी कर इकोनॉमिक प्रेजेंस भी और वैल्यू भी बढ़ सकती है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड को। कई बार आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है कि कई बार समुद्र के अंदर उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती हैं, तो इसी के चलते जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है अगर बात करूं तो 95% जो फॉरेन ट्रेड है हमारा ये जाता है बेसिकली ओशन के थ्रू होता हुआ, ठीक है। तो 95% ये होता है ट्रेड वॉल्यूम में, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम ट्रेड है वॉल्यूम में अगर बात करेंगे कितना सामान जा रहा है तो 95% सामान जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 68% इसकी वैल्यू अगर बात करें पैसों के मामले में, यानी कि जितना पैसा मान लीजिए हम लोग 100 करोड़ का व्यापार करते हैं तो इसका 68% व्यापार जो है वो इंडियन ओशन से करते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्रूड ऑयल जो है आज के में हम लोग बाहर से जो खरीद कर लेकर आते हैं लगभग 80% क्रूड ऑयल बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो ये भी याद रखिएगा वो भी सारा इंडियन ओशन के थ्रू ही आता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए चाइना जो है जिस तरीके से एस्टेब्लिश कर रहा है चीजों को, ठीक है। इसी के साथ में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, तो सागर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि सागर नाम का एक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया यहां पर एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली यहां पर काम कर रहे हैं सबके साथ मिलकर, तो इसलिए इसका सागर नाम रखा गया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहां पर ये प्रोजेक्ट बेसिकली इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, इसके बारे में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो इंडियन ओशन के अंदर जो भी यहां पर जो कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश की जाती है, तो इसका नाम सागर दिया गया। इनहेंस करना है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मॉरिशस के अंदर भी, तो ये भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और एक तरीके से जहां सिक्योरिटी रहती है वहीं ढांचागत विकास भी होता है, तो ये सारी चीजें।
पर लेकिन ये चीजें आसान नहीं है, चैलेंज है कई सारे। एक तो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर अपोजिशन, यानी कि मॉरिशस के अंदर जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप लोगों कई जगह यहाँ पर बेसिकली चाइना का इन्फ्लुएंस भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट, यहाँ पर लोकल लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि सही चीज नहीं है इस तरीके से, क्योंकि मॉरिशस के अंदर अगर बात करें कई बार क्या होता है बाहर से अगर कोई काम करते हैं ना अपने फायदे के लिए बात पहले सोचता है। मेजर मिलिट्री बेस जैसे कि बात करें फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, तो पुराने टाइम पर कई बार यहां पर इनके द्वारा भी कोशिश की जाती है, कई बार कई सारे मिलिट्री बेस यहां पर इन कंट्री के ऊपर बनाए जाते हैं, किसी एक को अलाउ कर दिया, पता चला सारी कंट्री बोलने लगी उसे, तो बोल दिया अच्छा उसके साथ क्या रिश्तेदारी हमको मना कर रहे हो, ऐसा क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो ये सही नहीं है इस तरीके से, तो काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। ऑब्सेशन अगर यहां पर बात करें, काफी ज्यादा ऑब्सेसिव सिक्योरिटी पॉलिसी देखने को मिलती है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं चाइना के फोकस में ही काम करते हैं, तो चाइना के फोकस को देखकर हाँ चाइना ये कर देगा, चाइना वो कर देगा, तो उसे थोड़ा दूर भी हटकर हम लोग कई बार देखना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी सही है, चाइना से हम लोग को सिक्योरिटी करनी चाहिए, पर लेकिन क्लाइमेट चेंज हो गया, ब्लू इकोनॉमी हो गया, ठीक है, कनेक्टिविटी हो गया उस तरीके से, तो उनके ऊपर भी फोकस हम लोग करें, तो कई सारे चैलेंज है यहां पर जिसको बोला जाता है। पर लेकिन ये जो पर्ल ऑफ स्टिंग है, ये स्टिंग ऑफ पर्ल्स है, इसके बारे में याद रखिएगा, जो चाइना क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अपनी कंट्री के आसपास में, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, ओके। अब आगे चलेंगे, अब यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा शॉर्ट न्यूज के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां पर शॉर्ट न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो अफगानिस्तान के बारे में ही मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, थोड़ी सी कुछ डिफरेंट न्यूज है यहां पर जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों से कोई पूछे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है और तालिबान जो है यहां पर पावर में आ गया, सब कंट्री बोल रही है कुछ चाइना को छोड़कर या फिर एक दो कंट्री को छोड़कर, चाइना और पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान ने बोल दिया हाँ अफगानिस्तान में तालिबान को एक्सेप्ट करते हैं, पता है वो तो करना ही था, फिर चाइना ने बोल दिया एक्सेप्ट करेंगे हम भी, तो ये दो सबसे एक तरीके से खतरनाक कंट्री है जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बिना देखे, उन्हें कहते हैं कि बिना सोचे समझे। आप लोगों ने देखा वो कई सारे लोग ऐसे ऐसे चीजों के एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आते हैं जो कि खुद यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उनको पता है यहां पर कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं एक तरीके से, पर हाँ जनता को बता दो, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये इनको ये नहीं दिख रहा है कि क्या इंपैक्ट पड़ सकता है यहां पर, तालिबान जो है पाकिस्तान के हिसाब से तो रहता है, तो इसलिए उनको लग रहा है अच्छी बात है, तो चाइना जो है वो अलग से सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसको पता है बहुत सारे उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कल को अफगानिस्तान के साथ में तालिबान के साथ में बिगड़ने लगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, जब अलग अलग कंट्री ने मना कर दिया, दुनिया भर के सैंक्शन लगेंगे, तालिबान कुछ उल्टी हरकतें करते हैं, तो तालिबान पैसा कहां से कमाएगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा, तालिबान जो है यहां पर कहां कहां से पैसा कमाएगा उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले यहां पर ये देखें कि अफगानिस्तान जो है यहां पर फाइनेंशियली वो काफी लार्ज स्केल पर अगर बात करें आज के डेट में यहां पर एक तरीके से तालिबान जो है यहां पर कैप्चर कर चुका है कैपिटल जो काबुल है, तो इसके चलते काफी कुछ यहां पर देखने को मिला, प्रेसिडेंट जो है देश छोड़कर भागे, कई सारी कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया, पर लेकिन जो रिफ्यूजी है कई सारे तजाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, तजाकिस्तान ये बॉर्डर है यहां पर, कई सारे लोग जो है यहां पर भागकर जा रहे हैं, तो तजाकिस्तान के लिए यहां पर काफी सारी चीज देखने को मिल रही है, तो कंसर्न क्या क्या निकल कर आ रहे हैं यहां पर तजाकिस्तान को अगर फोकस देकर चले, तजाकिस्तान जो है अगर कई सारे सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं अफगान और तजाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ में, एक तो उसको लेकर है, पर लेकिन ये काफी हद तक अलाउ भी नहीं किया जाएगा, कुछ चीजें हैं जो वेलकम की जा सकती है पर लेकिन ज्यादातर नहीं। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर पड़ोस में यहां पर तालिबान रहेगा तो इनकी कंट्री के अंदर भी कुछ तो लोग होंगे ना ऐसे जो हरकतें करते हुए नजर आएंगे उल्टी सीधी, तो इनको ये लग रहा है अगर उनको अलाउ कर देंगे तालिबान को प्रॉपर वे में, तो कल को हमारी कंट्री के अंदर जो कट्टरपंथी लोग हैं वो भी ऐसी हरकतें करने की कोशिश करेंगे कि चलो हम भी यहां पर गवर्नमेंट को पलट कर अपना दादागिरी दिखाते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तजाकिस्तान जो है यहां पर वो कोशिश करता है कि एक तरीके से कि देखिए काफी पोरस बॉर्डर है तजाकिस्तान और बेसिकली यहां पर अफगानिस्तान के बीच में, तो आगे चलकर यहां पर ड्रग तरीके की यहां पर एक तरीके मतलब जो दवाइयां होती हैं एक तरीके से जो नशीले पदार्थ होते हैं वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, अफीम वगैरह हो गई, हीरोइन वगैरह हो गई, वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है जो कि काफी बड़ा कंट्री के अंदर इंपैक्ट डाल सकती है। बात के यहां पर पैसा कहां से आएगा फिर अफगानिस्तान के पास में, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इंडिया के लिए काफी खतरनाक चीज ये हो जाती है। अफगानिस्तान में ये माना जा रहा है कि ओपियम जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है यहां पर, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा गोल्डन क्रिसेंट जो है यहां पर, इसमें कौन कौन आता है, एक तो आता है ईरान, एक आता है पाकिस्तान और एक आता है अफगानिस्तान। तालिबान के पास में एक अकेला सोर्स बचेगा यहां पर ओपियम को प्रोड्यूस करने का और ओपियम को बेचने का, तो ये एक सोर्स जो होगा ये इंडिया में भी इसकी जो एक तरीके से इंडिया के अंदर भी इसकी काफी सारा आप लोगों को कंटेंट आता हुआ नजर आएगा जो कि खतरनाक है। इधर जो गोल्डन ट्रायंगल की कैटेगरी में आते हैं तो बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है और वियतनाम है, चार कंट्री यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी और गोल्डन क्रिसेंट के अंदर तीन कंट्री देखने को मिलेगी। ये ओपियम प्रोड्यूस करने वाले देश हैं, तो हमारी कंट्री बीच में होगी तो हमारी कंट्री के लिए थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क रहने वाली बात हो जाती है यहां पर, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखने की बात की जा रही है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है अर्थक्वेक के बारे में, अभी हैती एक पर्टिकुलर आइलैंड कंट्री है, वहां पर अर्थक्वेक देखने को मिला, तो उसके चलते कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। समझ लेते हैं क्या क्या बातें। हैती जो है यहाँ पर अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो एक्जैक्टली आप लोग इसकी लोकेशन देख पाएंगे, ये है हैती, ठीक है। तो ये है हैती, यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये एक प्लेट दिखा रखी है, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो प्लेट है ये कटती है यहाँ पर जाकर इस तरीके से। तो यानी कि आप लोगों को पता है नॉर्मली ज्योग्राफी में भी आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा, ये होगी इनर कोर, ये हो गई कोर, आउटर कोर और ये हो गया मेंटल, ये हो गया क्रस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि इनर कोर, आउटर कोर और मेंटल कोर और क्रस्ट, तो चार पार्ट में नॉर्मली देखते हैं। तो जो क्रस्ट होता है ये आप लोगों को इधर उधर घूमता हुआ नॉर्मली कई बार नजर आएगा, तो इससे बोला जा रहा है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट के थ्रू बना होता है और वो मूवेबल होता है। तो वो मूव जब होता है यहाँ पर, कई सारी प्लेट तो ऐसी हैं जो एक दूसरे से यहाँ पर आकर चिपकती हैं, कई सारी ऐसी हैं डाइवर्ज होती हैं, दूर जाती हैं, कई सारी फोल्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है आप लोगों को नजर आएंगी। तो अगर किसी ऐसे एरिया में कोई पर्टिकुलर कंट्री है तो वहां पर अर्थक्वेक जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हैती में जो अभी अर्थक्वेक आया और कई लोगों की यहां पर जान चली गई, तो 19 साल में यहां पर दूसरी बार इतनी खतरनाक चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। तो कहां पर पड़ता है ये अर्थ की क्रस्ट पर, अगर बोल रहे यहां पर हैती कहां पर है, तो नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन प्लेट के अंदर आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर अर्थक्वेक जब आएगा इस तरीके से तो यहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाकर जाएगा और इस तरीके से फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, तो इस तरीके कंडीशन बनती है, कई सारी मल्टीपल जो फॉल्ट लाइन है यहां पर वो देखने को मिलेगी जो कि कट होती है, तो इसके चलते यहां पर ये दिक्कत निकलकर सामने आती है, वर्स्ट फॉर्म यहां पर देखने को मिला जाए, ऐसी कंडीशन बनती है। तो अर्थक्वेक में आप लोग देखते हैं काफी सारी चीजें यहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इस तरीके से यहां पर कुछ ऐसे टूट रही हैं, कुछ ऐसे टूट रही हैं, तो इसको सबडक्शन फोल्ट बोलते हैं, ऐसे नहीं एक दूसरे के नीचे चढ़ गई ऊपर चढ़ गई, इसको यहां पर स्टिफ फोल्ट बोलते हैं, ऐसे इस तरीके से टूट गई, ठीक है। कई सारी डाइवर्स आप लोगों को होती नजर आएगी एक दूसरे के साथ में, तो ये सारे रीजन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे और वहीं पर ही आप लोग काफी लार्ज स्केल पर अर्थक्वेक भी आते हुए नजर आएंगे। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज लगी पर्सनली मुझे, बात करें तो यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में किसके बारे में, कि एक तरीके से अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में जो हैंडलूम है हथकरघा उसको कैसे सपोर्ट करना है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो इसी के बारे में यहां पर ये न्यूज है। अभी हुआ क्या है, यहां पर 10 मोर जो यहां पर डिजाइन रिसोर्स सेंटर जो है उनको यहां पर आगे लाने की बात की जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ताकि जो वेवर सर्विस सेंटर है जैसे कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, किन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, इसी के साथ में भागलपुर, पानीपत, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कई सारे सेंटर, जिसके चलते यहां पर जो हम लोग अपनी ही कंट्री में और अच्छे से चीजों को बढ़ा पाएंगे, और खासकर जो भी जुलाहे खासकर इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, कपड़ा मेकिंग इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं उनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि एक तरीके से डिजाइन ओरिएंटेड एक्सीलेंस हम लोग यहां पर क्रिएट कर सके, अपनी ही कंट्री में अपने एक्सपर्ट रहे, अपने ही लोग रहे, अपना ही डिजाइन रहे, तो इस तरीके से। तो हैंडलूम सेक्टर जो यहां पर ये काफी कुछ यहां पर फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराएगा, इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिजाइन होगी, एक्सपोर्ट होगा, तो लोगों का फायदा भी काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। जो सैंपल प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करें तो और अच्छे से उसको इंप्रूव करना है, डेवलप करना है, ताकि और ज्यादा लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट रहे, मार्केट में डिमांड बढ़े, तो मार्केट में फिर सप्लाई भी होगी। हैंडलूम डिजाइन सेंटर जो है ये मुंबई, चेन्नई, वाराणसी में सेटअप किया गया यहां पर 1956 में। तो एक्टिव जो यहां पर डिजाइन सेंटर अगर बात करें इसके चलते हैंडलूम जो है वो टेक्सटाइल वाले फील्ड में यहां पर रीडिजाइन या फिर कोई भी देखें तो इस तरीके से यहां पर बात की जाती है। कि कहने का मतलब यहां पर है कि अगर बात करें एक्टिविटी ऑफ दीज जो डिजाइन सेंटर है ये एग्जाम की जाती है कवर करने के लिए, एस्पेक्ट जो रहता है हैंडलूम टेक्स जो टेक्सटाइल है बेसिकली, ठीक है। तो इसको रीडिजाइन किया जा रहा है ताकि वेवर सर्विस सेंटर को ढंग से इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बात करें यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसे पूछा जाता है, बैम्बो यहां पर ओएसिस ऑन लैंड्स इन रोड, जहां पर सूखा है वहां पर बैम्बो लगाने की बात चल रही है, तो यहां पर ये कौन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया रहा है केवीआईसी के द्वारा, जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ये है यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन इसको इंप्लीमेंट कर रही है। अगर बात करें तो यहां पर अगस्त में 15 अगस्त को यहां पर आर्मी की जो प्लांट आर्मी के द्वारा बोला गया कि प्लांटेड 20 बैम्बो सैंपल्स, ठीक है, लेह के अंदर में। तो यहां पर जैसे मैंने राजस्थान में 5000 के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो इसी तरीके से यहां पर अलग अलग एरिया में ये सैंपलिंग लगाने की बात की जा रही है। तो ये जो यहां पर सैंपलिंग लग रही है तो ये यहां पर केवीआईसी को हेल्प कर रही है आर्मी, तो यहां पर इसके चलते स्टार्ट किया गया यहां पर 12 अगस्त जम्मू के अंदर इसी के साथ में प्लांटेशन की गई अलग अलग एरिया में, ठीक है, फिर लेह के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एवर ऐसा अटेम्प्ट है कि बैम्बो के ट्री जो है उनको ग्रो करने की कोशिश की जा रही है हायर हिमालयन टेरेन वाले रीजन में, ठीक है। तो इससे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि प्रिवेंट किया जा सके लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड जो डिग्रेड हो रही है उसको बचाया जा सके और डेवलप किया जा सके ग्रीन कवर, क्योंकि बैम्बो काफी ग्रीन ग्रीन देखने को मिलते हैं। तो एक तरीका है यहां पर हरी भरी एरिया को हरा भरा बनाने का।
अभी यहां पर जो बेसिकली इसको आगे लेकर चलने की बात की है, 1000 के करीब यहां पर लगाए जाएंगे जो विलेज है यहां पर, जिसका नाम है यहां पर चुकचुक, ठीक है, तो लेह के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है, तो इसमें अभी काम किया जा रहा है। 18 अगस्त को यहां पर बेसिकली बात चल रही है और आगे बढ़ाने की चीजों को। तो यहां पर ये हार्वेस्टिंग जो इसकी होगी लगभग 3 साल के अंदर यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि किसानों को काफी फायदा देकर जाता है। 3 साल में जब ये कटेगा तो किसानों को काफी फायदा भी यहां पर देकर जाएगा। और कई सारे बांस के बारे में आप लोगों को बताऊं, आप लोग अगर गन्ने की खेती उगाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एक बार जब गन्ना उगा देते हैं उसके बाद में उसको काट लेते हैं तो फिर से यहां पर गन्ना अपने आप उग आ जाता है, उसको बोलते हैं दुबरसी, ठीक है। फिर यहां पर तिबरसी पेड्डी, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली लोकल एरिया में इसको इस तरीके से बोला जाता है कि हाँ ठीक है गन्ना लगा दिया, फिर दुबरसी पेड्डी होगी, तिबरसी पेड्डी होगी। तो तीसरी बार हालांकि कम होती है पर दो बार तो अच्छे से हो जाता है खेत। तो ऐसे ही बैंबू में देखने को मिलेगा, कई कई फसल मिल जाएगी अगर एक बार लगा देते हैं तो, ये वाली चीजें नजर आएगी सामने, ठीक है। तो ये लेह में किया जा रहा है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जिसको केवीआईसी आप लोग बोलते हैं, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1957 में स्टार्ट किया गया था। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो 1956 में यहां पर आया। इसके चलते पहले यहां पर बोर्ड था जिसको बोलते थे बेसिकली ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, तो फिर कमीशन में कन्वर्ट किया, इसका नाम चेंज किया गया, तो आज के डेट में देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। लोकल ऑफिस भी है यहां पर, जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, तो यहां पर लोकल ऑफिस भी है। तो 1956 में स्टार्ट किया गया। तो ये काम क्या करता है, जैसे कि यहां पर स्टैब्लिश करना खादी और विलेज इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रमोट करना, प्लान बनाना, ऑर्गेनाइज करना चीजों को, तो ये देखने को मिलेगा। चेयरमैन कौन है और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर में ये आता है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होना चाहिए, तो बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब बात करेंगे यहां पर नेशनल न्यूज के बारे में, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अभी यहां पर 60वीं पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे किया गया हमारे देश के अंदर में। तो पहला तो ये है कि किसके द्वारा ये किया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जो कि किसके अंडर में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। तो यहां पर सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है उसके बारे में अगर बात करें तो उसके चलते यहां पर ये पॉलिसी निकल कर आ रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है गवर्नमेंट के द्वारा रीएलोकेट किया गया यहां पर, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि यहां पर देखने को मिलती है इसके अंडर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले कहां आता था ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आता था, तो यानी कि इसको रीएलोकेट किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अब आ गया है, तो अब चीजें और अच्छे से देखने को मिलेगी। याद होगा ना मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक एंटरप्राइज है पहले यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आता था, फिर इसको हटाकर अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ला दिया गया, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था, छोटी छोटी सी न्यूज है यार, रिविजन करते रहेंगे तो याद रख पाएंगे। बेसिकली थोड़ा सा अगर रिविजन करना स्टार्ट कर दिए अच्छा रहेगा, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज जो है सर्वे उसके बारे में बात करें तो 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक यूनिवर्सिटी जो पब्लिक एंटरप्राइज जो सर्वे है यहां पर 100%, ये बेसिकली सीपीएससी यानी कि एक तरीके से जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और जो एंटरप्राइज है उनसे रिलेटेड आप लोगों को नजर आएगा जो क्या क्या डेटा है इनसे रिलेटेड ये इकट्ठा करता है। फाइनेंशियल और फिजिकल पैरामीटर क्या है उनके बारे में यहां पर ये बात करता है। तो ये सर्वे जो है इनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है ताकि हम लोग जान सके क्या क्या चीजें चल रही है और अगर कोई इंप्रूवमेंट करना है चीजों के अंदर उसको भी हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये तरीका यहां पर जो है बेसिकली देखिए आप लोग भी अपना सर्वे कर सकते हैं, आप लोग किस तरीके से क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहां पर कमियां रहेगी, कहां पर खामियां रहेगी, उनको आप लोग भी सुधार सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें सीपीएसपी जो है वो काफी अच्छे से काम करता है, जैसे कि इंप्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, इसी के साथ में रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो कमियां खामियां हैं उनके बारे में कैसे कम की जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी जहां जहां पर कमी है उसको कैसे लेकर चला जाए, ठीक है, कई सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे काम करते हुए। अगर बात करें टोटल मिलाकर अगर आप लोगों से कोई पूछ लेगी कितने कितने हैं इनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, तो जो सर्वे है यहां पर ये 5 सेक्टर में बोला गया मेनली, एक तो एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है, माइन और एक्सप्लोरेशन के फील्ड में यानी खेती बाड़ी और इसी के साथ में कुछ जैसे कहीं से कुछ निकालना है क्रूड ऑयल हो गया या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर आयरन ओर वगैरह हो गए, ठीक है, वो वाला चीज। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, प्रोसेसिंग जनरेशन के सेक्टर में बात करें, सर्विस के बारे में बात करें तो सर्विस है यहां पर। एंटरप्राइज अंडर जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे एरिया में, तो 5 एरिया में यहां पर कवर करने की बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह टोटल मिलाकर कितने आप लोगों से पूछे जाए अगर हमारी कंट्री में आज के में है ये, तो आप लोगों को क्या इसका आंसर दोगे, तो 10 तो आप लोगों को महारत्ना देखने को मिलेंगे, ठीक है, आज के में 14 आप लोगों को नवरत्ना देखने को मिलेंगे और 74 आप लोगों को आज के में मिनी रत्ना देखने को मिलेंगे। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को आइडिया जरूर रखना है, ठीक है। तो ये है इनकी कैटेगरी कितने कितने क्या क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है उसके बारे में अगर बात करें
ये बेसिकली ये एक तरीके से पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे जो है इसके द्वारा 1960 में लाया जाता था, रिकमेंडेशन दी गई थी कि यहां पर ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सेकंड लोकसभा 73rd रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि यहां सर्वे करेंगे तो पता चलता रहेगा कहां पर क्या क्या खामियां है। तो सेंट्रल सेक्टर जो एंटरप्राइज है यहां पर ये एक तरीके से ट्विन ऑब्जेक्टिव रहता है, एक तो कमर्शियली इफिशियंसी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे पीएसयू से बीएसएनएल हो गया, एयर इंडिया हो गया कि यहां डूब रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, उनको कैसे इफेक्टिवली कर रहे हैं। तो बीएसएनएल को प्रोजेक्ट दो अच्छे अच्छे ताकि वो अच्छे से काम करने स्टार्ट कर दे जैसे दिए भी गए अभी, ठीक है, हमारी कंट्री में जैसे नहीं सब जगह यहां पर अभी ब्रॉडबैंड लगाने की बात की जा रही है, पंचायतों को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, कोई प्राइवेट कंपनी रहती है उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, उसकी बस ये रहती है प्राइवेट कंपनी की कि उसको तो बस कमर्शियली इफिशियंसी होना है, कमर्शियली फायदा पहुंचाना है, पर लेकिन हाँ थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर आप लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी की आप लोग कोई भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नजर नहीं आएगी, तो इसके चलते भी यहां पर आप लोग कई बार न्यूज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर पीएसयू ही सारे काम मैक्सिमम करते हुए नजर आते हैं, और अगर जिस तरीके से बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना है, तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हमारी कंट्री में जो पीएसयू है ये अलग अलग एरिया के, कोई मिनी रत्न है, कोई महारत्न है, ठीक है, कोई नवरत्न है, तो ये जब काम करेंगे ढंग से तो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट निकल कर आएंगे, हमारी कंट्री में इफिशियंसी बढ़ेगी, हमारी कंट्री में ही हम लोग कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे, ठीक है, इसी के साथ में हम लोग चीजों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो सामान अपने देश से बनाएंगे, लोगों को जॉब भी मिलेगी, तो इंडिजिनियसली टेक्नोलॉजी निकल कर आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके ऊपर हम लोग करेंगे, तो काफी सारी चीज हम लोग कर सकते हैं, काफी सारे तरीके से हम लोग चीजों को देख सकते हैं। तो इसके बारे में है बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। तो ये है चीजें जिसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे बात करते हैं यहां पर ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे, और यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बेसिकली तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के द्वारा अभी यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिली यहां पर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में इसको बात करें PMKSY भी आप लोग बोलते हैं। अगर बात करें तो 2016 में यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के द्वारा यहां पर एक अम्ब्रेला स्कीम स्टार्ट की गई, जिसको क्या बोला गया, देखिए आप लोगों को जो शॉर्ट फॉर्म है ना उसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर जो संपदा बोला गया तो इसको नॉर्मली अगर देखा जाए तो एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ठीक है। तो संपदा की फुल फॉर्म यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंडर में आती है। तो इसको एलोकेट किया गया 6,000 करोड़ रुपए 2016 से लेकर 2020 तक का, ताकि अच्छे से इसको काम करके आगे लाया जा सके। आप लोग ये समझिए, खेतों में से आप लोग गेहूं निकाल के लेकर आते हैं, उन गेहूं का अगर ब्रेड बनना है आगे चलकर, आटा बनना है, या फिर कोई मक्का निकाल के लेकर आ गया, उसमें से चना निकाल कर लेकर आए, चने का बेसन बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, अगर प्रोसेसिंग ढंग से नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो उसी को आगे लेकर चलने की कोशिश की जाती है प्रोसेसिंग सेक्टर के थ्रू, तो यही प्रोसेसिंग का यहां पर तरीका होता है। तो यहां पर यह पर्टिकुलर स्कीम लाई गई ताकि हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनने लगे। अगर ब्रेड बना रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं देश के अंदर आराम से डेवलप करें, तो समझ में आएगा आप लोगों को कि हम अपने ही देश के लोगों को जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, और वही जो लोग हैं उनको यहां से फायदा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 2017 में यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा रीनेम किया गया यहां पर संपदा जो है इसको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यानी कि ये जो स्कीम थी पहले लॉन्च की गई थी, अभी संपदा को यहां पर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसका नाम कर दिया 2017 में चेंज करके, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम है यहां पर, यानी कि सेंट्रल सेक्टर एक तो होता है स्पॉन्सर्ड, एक होता है सेंट्रल सेक्टर, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया यहां पर चीजों को सपोर्ट करने के लिए, पैसा प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि स्कीम को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि स्टेट के ऊपर अगर डिपेंडेंसी हमारी रहेगी तो फिर हम लोग काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसके चलते काफी सारी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जो भी सप्लीमेंट आता है एग्रीकल्चर से निकलकर, यानी एग्रीकल्चर से गेहूं आ गया, ठीक है, ऐसे टमाटर आ गए, ठीक है, और कुछ आ गया, ठीक है, आप लोग इनको बोल सकते हैं कैसे किस तरीके से लेके चलना है। तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को यहां पर मिल जाती है, किसकी क्या क्या खाने में सबसे फेवरेट, अगर आप लोगों से पूछी जाए सब्जी क्या क्या, उस सब्जी का आप लोग नाम ले लीजिए, ठीक है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमको छोले खाना काफी पसंद है, आप छोले का नाम नहीं लेते हो कभी। छोला भी देखिए काफी अच्छा लगता है, छोले के साथ में छोले भटूरे अगर खाए जाए, हालांकि थोड़ा ऑयली हो जाता है छोले चावल। अच्छा आप लोगों से पूछा जाए अगर छोले भटूरे खाना पसंद ज्यादा पसंद है, छोले चावल खाना ज्यादा पसंद है, छोले के साथ में रोटी खाना ज्यादा पसंद है, कौन सी चीज आप लोगों को ज्यादा पसंद लगी आप लोग बताइए। चलिए पर्सनल क्वेश्चन हो गए, आप लोगों की प्राइवेसी का हनन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये चीजें हैं थोड़ा सा। तो एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि जो भी आप लोग खाते पर हेल्दी जरूर देखा कीजिए कि शरीर को अच्छा लगना चाहिए, बॉडी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो एग्रीकल्चर में से जो भी प्रोडक्ट निकल कर आता है तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, तो यहां पर हम लोग उसको प्रोसेसिंग में लेकर आगे चल सके, ठीक है, उससे और प्रोडक्ट यहां पर बनाया जा सके। बोला ना मैंने चना होता है तो चने से आप लोग बेसन बना लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मेगा फूड पार्क हमारी कंट्री बनाए जा रहे हैं कई सारे इन चीजों को और अच्छे लेवल पर सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी तरीका है। वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट आया उसमें और वैल्यू एडिट कर दिया, तो वो चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी।
बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक हो गए। जैसे ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकल कर आ गया, जैसे खेतों में से आलू निकल कर आए, ठीक है, खेतों में से आलू निकल कर आए तो कोई बीच में क्या कर रहा है, उन आलू को साफ कर रहा है, कोई उनको काट पीट रहा है, कोई उनको आगे चलकर चिप्स बना रहा है, ठीक है, कोई आगे चलकर कुछ और बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे आलू की पकौड़ी भी आप लोग खा सकते हैं, ठीक है, आलू के साथ में छोले की सब्जी भी आप लोग बना सकते हैं, तो कई तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ऑपरेशन ग्रीन हमारी कंट्री में भी आप लोग को देखने को मिला। तो तरीके तो कई सारे हैं, बस आप लोग को देखना पड़ेगा कहां कहां पर किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में कई सारे प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर चीजों को हेल्प करने की बात की गई। अगर कोई ऐसा काम करना है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है वो क्रेडिट लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, यानी कि अगर कोई काम करता है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, ग्रांट इन एड भी दिया जाता है। ये क्या होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, देखिए एक तो होता है क्रेडिट देना, एक होता है ग्रांट इन एड, एक तरीके से वापस लेना है, बस देना दे दिया तो दे दिया, ठीक है, ये इस तरीके से है। मान लीजिए जैसे बोला ना कि आप लोगों से मान लीजिए किसी को किताब दे रहे हैं, ठीक है, एक तो ये कि किताब दे दी उसे कि हम किताब ले पढ़ कर या रिटर्न कर देना, एक है कि किताब अब तुम्हारी है, ये किताब तुमको अपने पास में रखनी है, जब तुमको लगे तो पढ़ ली तो किसी और को दे देना। एक और बात मुझे थोड़ी सी आप लोगों से यहां पर बोलनी है इसी के बारे में, देखिए जैसे कोई किताब ले रहा है ना, जितनों के पास में किताबें जा रही हैं, मैक्सिमम के पास में जो पीडीएफ जा रही है वो सही बात है, जिसके पास में किताब जा रही है आप लोग अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ये यूज नहीं करनी है तो किसी को एक जरूरतमंद को दे देना है वो किताब। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी की कमाई मेहनत की कमाई है, गलत तरीके से मत इसको मिसयूज करना अगर आप लोगों को यूज करनी है। और अगर आप लोग सिलेक्शन होता है, जैसे मैं तो बोलूं सिलेक्शन हो जाए जल्दी, जो किताब आप लोग होते हो किसी और को दे देना ताकि वो उसको यूज कर सके, ठीक है, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, यानी कि अपने पास में चीजें पड़ी हुई बेकार न जाए, दूसरे के पास में चले जाए तो थोड़ा फायदा हो जाए, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, जरूरतमंद तक चीजें पहुंचा सकते हैं, ठीक है, तो ये काफी अच्छा है इस तरीके से। तो अच्छे से इसी तरीके चीजों को आप लोग अपने लेवल पर काफी सारे ऐसे काम कर सकते हैं। कपड़े आप लोगों को लग रहे हैं पुराने हैं, आप लोग पहन नहीं पा रहे हैं, आप लोग ये छोटे हो गए कपड़े, वो किसी को आप लोग दे सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं, हेल्प करने के कई सारे तरीके हैं, अगर इंसान दिल से हेल्प करना चाहे तो दुनिया भर के तरीके उसको मिल जाते हैं, बस इच्छा होनी चाहिए इंसान की हेल्प करने की। जैसे मैंने बोला ना कि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर किस तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं, जो भी आप लोग यहां से पढ़ते हैं आप लोग पढ़ा सकते हैं किसी को जाकर आसानी से, कितने सारे बच्चे जुड़ जाएंगे साथ साथ में, इस तरीके से देखिए, ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए जहां पर आप लोगों को लगे आप लोग अपने लेवल पर काम कर सकते हैं, तो तरीके मिल जाएंगे, बस इच्छा रखिए अपने अंदर। तो पीएम केएसवाई जो यहां पर ये योजना है, ये 34 लाख जो किसान है बोल रहा है कि उनको फायदा पहुंचा रही है, और इसी के साथ में जो नाबार्ड है इसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके द्वारा एस्टिमेट लगाया गया था कि यहां पर स्कीम के तहत अगर देखने को मिले तो यहाँ पर 12.38% करीब यहाँ पर इंक्रीज भी हो गए, कई सारी चीजों के इस तरीके से फार्मरों को फायदा पहुंच रहा है, और लगभग यहाँ पर एस्टिमेट लगाया जा रहा है बेनिफिट डायरेक्ट जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट के कनेक्ट होने के बाद में, तो इतने सारे फार्मर और मोर कनेक्ट यहाँ पर हो गए हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग और यहाँ पर कनेक्ट होते हुए आ रहे हैं स्कीम के साथ में, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे किसानों के लिए इस तरीके से कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो किसानों की जो इनकम करनी है हमारे देश में, पता है ना आप लोगों को, 2022 तक डबल करने की बात की जा रही है, तो उसी और बढ़ता हुआ एक ये कदम आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये था यहां पर डिस्कशन जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर आप लोगों को देने, पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। तो ये देखेगा, ये वीडियो जो बनाई है इसके बारे में जरूर याद रखेगा, तो इसको आप लोग देखना, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लगा, और इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन था मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है पढ़ते रहिए आप लोग, अपना अच्छे से अपना ध्यान रखते रहिए। और प्लीज फिर से बोल रहा हूं, अपने पेरेंट्स को मत बोलिए यार, पेरेंट्स जब मैंने फिर वही अच्छा नहीं लगता है मुझे उस तरीके से, तो ये कम से कम मत करिए। आप लोग अर्निंग कर रहे हैं अगर, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए किस तरीके चीजें करनी है, इससे ज्यादा मुझे किसी चीज के लिए मत बोलना यार, ये थोड़ा सा मतलब ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से रियलिटी में बोलो आप लोगों को, ठीक है, अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये चीजें भी वैसे देखा जाए, क्योंकि मुझे बुक देना जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने अपने लिए स्टार्ट किया था अपने मन से, ठीक है, पर लेकिन रिक्वेस्ट इतनी ज्यादा आने लगी तो वो मुझे थोड़ा सा चीजें ऐसी होगी, वरना कोई मतलब नहीं था इस चीज को, ठीक है, तो उसको इसीलिए मैं थोड़ा सा लिमिटेड ही चीजों को रखना चाह रहा था, और अभी भी रखना चाह रहा हूं उसको उस तरीके से नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने डिटेल में जाना पाकिस्तान अफगानिस्तान, और ये ट्रायंगल क्या है इसको समझा हम लोगों ने यहाँ पर, और जो गोल्डन यहाँ पर ट्रायंगल है और गोल्डन क्रेसेंट है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में जाना, काफी अच्छे से हम लोगों ने चीजें समझी यहाँ पर, ये चीजें आप लोग देखते हैं काफी डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में जाना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हैती वगैरह जो सारी चीज हम लोगों ने देखी, बाकी हम लोगों ने यहाँ पर समझा किस तरीके से कई सारी और चीजें, खासकर हथकरघा के बारे में, बेम्बो के बारे में समझा, केवीआईसी के बारे में हम लोगों ने चीजें जानी, ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर काफी डिटेल में न्यूज जानी किस तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर इंडियन ओशन के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, स्प्रिंग ऑफ जो यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में, नेशनल लेवल पर हम लोगों ने पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में कुछ बातें जानी, नवरत्न मिनी रत्न क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा समझा, ये है बेसिकली किसान के बारे में जो स्कीम है किसान संपदा योजना, इसके बारे में चीजें हम लोग को जानने को मिली। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी।
अब क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। अब बताइए किस कंट्री का यहाँ पर ये आइलैंड अगले का, ठीक है। बाकी यहाँ पर कितना कितना व्यापार और कितना वॉल्यूम में कितना पैसों में हम लोग करते हैं और कितना क्रूड ऑयल ये बताना है। नेक्स्ट बोल्ड मिशन किसके द्वारा ये बताइए। अर्थ क्रस्ट के बारे में बात की तो किस किसके बीच में है ये आप लोग बताने। सीएसपी के बारे में बात करिए और कितनी मिनी रत्न और महारत्न है इनके बारे में आप लोग बताइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। कल एक बच्चे के द्वारा मेरे मार्क्स काट लिए गए, बोला सर 10 में से 9 मार्क्स दूंगा कि आपने क्विज डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कई बार हो जाती है छोटी छोटी चीजें। इंडिया का 75th जो हम लोगों ने यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कई सारी स्कीम सामने निकाल कर लाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी स्कीम है पीएम के नाम पर, ये बताइए। इसमें 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। शेरशाह के बारे में हम लोगों ने बात की यहाँ पर। कैप्टन का नाम बताइए जो कि कारगिल वॉर में शहीद थे, जिनके बारे में मूवी बनाएगी। थोल लेक झील कहां पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर, इसके बारे में बताइए। रामसर कन्वेंशन के बारे में बात की गई, तो इसके बारे में बताना है कहां पर है, बेसिकली कन्वेंशन साइन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है एक पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में, उसका नाम बताइए। मैंने नाम पूछा था तो कई सारे बच्चों के द्वारा नाम भी बताया गया अलग से, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। कुछ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को हमारी कंट्री का एक अवार्ड देने की बात की जा रही है, हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को, यूएसए का, जो यहां पर बेसिकली बोलते हैं कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, ठीक है, जिसे हमारी कंट्री में भारत रत्न होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 4 बिग स्पीसीज कौन सी है जिनकी हेल्प की जाती है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो 75th इंडिपेंडेंस डे में प्रधानमंत्री जो गति शक्ति मास्टर प्लान निकाल कर लाया गया, शेरशाह के नाम पर यहां पर विक्रम बत्रा को शेरशाह बोलते थे, जिन्होंने अपनी जान दी देश के लिए, शहीद हुए और इनको परमवीर चक्र भी मिला, ठीक है। लेक थोल जो है इसको भी ये बेसिकली यहां पर रामसर साइट में काउंट किया गया, गुजरात के अंदर, यहां पर ईरान के अंदर है रामसर साइट जो हम लोगों ने देखा। कितनी टोटल रामसर साइट है मैंने आप लोगों से पूछा था, ये आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताइएगा इसको, ठीक है। टोटल मिलाकर कितनी है, पहले 42 थी अब 40 हो गई, याद रखना, ठीक है। 75th वंदे भारत के बारे में बात की, आजादी का अमृत महोत्सव याद रखना। 75th इंडिपेंडेंस जो यहां पर डे के रूप में महात्मा गांधी जी को बोला है कि यूएसए का हाइएस्ट अवार्ड दिया जाएगा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। काजीरंगा के अंदर राइनोस एलिफेंट, ये यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर, ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन लेक्चर कैसा लगता है, अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर फायदा पहुंचा रहा है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, और आप लोग चीजों को अगर लगता है कि आप लोगों को लग रहा है अच्छी है तो फीडबैक के तौर पर लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि 10th में से क्या मार्क्स आप लोग देंगे। 5 सेकंड लगती है सारे काम करने में, इतना जो लेक्चर रहता है उसका एक तरीके से इसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, और सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर इनको डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद। और हां, ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का भी और अपने परिवार की हेल्थ का भी, ठीक है। और बाकी टेंशन नहीं लेकर किसी भी चीज का, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपना ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए।